बेटा आप लोगों की जो बुक में है वो जो प्रोसीजर्स हैं वो 6 प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि आपने अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है तो किस तरह करेंगे। ओके तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो स्टेप्स हैं ये 6 स्टेप्स हैं। इस 6 स्टेप्स को याद रखो कि हम लोगों ने जब कोई भी के क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है तो 6 स्टेप्स के थ्रू करनी है। फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, मतलब आपने कौन सी पॉपुलेशन जिसमें आपने स्टडी करनी है। इट कुड बी ये हो सकता है कि आपने ये चेक करना हो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में चेक करनी हो कोई लाइक 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 ये हो सकता है कि फीमेल्स में आपने जो हाइपरटेंशन है वो चेक करना है, या फिर मेल्स में आपने टेंडेंसी टू ओबेसिटी चेक करना है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये आपने पहले पॉपुलेशन डिफाइन करनी है कौन सी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ओके ये भी हो सकता है कि वो पॉपुलेशन जो है वो एक लाहौर की पॉपुलेशन हो या फिर सिर्फ पंजाब की पॉपुलेशन हो या पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो। ठीक है तो ये भी आपने डिसाइड करना था। पहले आप डिफाइन करो कि आपने कौन सी पॉपुलेशन में स्टडी करनी है। ठीक तो फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, सेकंड इज डिफाइन द डिजीज अंडर स्टडी, कि आपने उस डिजीज को डिफाइन करना है कि ये क्या डिजीज है और क्या अंडर स्टडी में इसके हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जब ओबेसिटी का जिक्र आएगा तो आपने ओबेसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बीएमआई को हम लोग ओबेसिटी में कंसिडर करेंगे। जो 25 बीएमआई होता है उससे अबव जो होता है उसे ओबेसिटी में कंसिडर करते हैं। ठीक है और आपने ये डिफाइन करना है पहले कि आपने डिजीज को कि आपने कौन सी डिजीज लेकर आनी है। ओके थर्ड वन इज डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन। ठीक है पहले तो आपने डिजीज डिफाइन कर ली, अब डिजाइन अब डिजीज को डिस्क्राइब भी करना है कि किस टाइम में हुई, प्लेस एंड पर्सन। ओके फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ डिजीज, अब आप उस पॉपुलेशन में आपने उस डिजीज को मेजर करना है। ओके उस डिजीज को मेजर करना है। फिफ्थ वन इज कंपेयरिंग विद द नॉन इंडिसेस, आपने उस डिजीज को कंपेयर करना है कि नॉन इंडिसेस पहले क्या हुआ था उसके बारे में, जो पहले स्टडीज आ चुके हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, एंड देन उसकी बेस पर है फॉर्मुलेशन एंड एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। सो ये आपकी 6 आपकी जो है वो होंगी जो स्टेप्स हैं जिसमें आपने प्रोसीजर्स हैं जो कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज या फिर के क्रॉस सेक्शन स्टडीज में करना है। ओके पहला था मैंने आपको क्या बोला था कि डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिफाइंड पॉपुलेशन शुड नॉट बी ओनली इन बी इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ एज सेक्स एंड ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। तो आपने जो डिफाइंड पॉपुलेशन है उसको सिर्फ नंबर में लिखा, हाँ ये नहीं लिखना कि हाँ इतने नंबर की पॉपुलेशन होगी, आपने उसको डिफाइन भी करना है कि इनकी क्या एज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो आपने जैसे अगर ओबेसिटी की ही एग्जांपल लेते हैं तो आपने ये डिफाइन करना है, पहले आपको टर्म बनानी है कि किस एज के लोग होंगे, जेंडर क्या होगा और ऑक्यूपेशन क्या होगा, आया आप दोनों जेंडर के लोगों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, या फिर अब ये भी तो हो सकता है कि आप लोग ये देखना चाहें कि ओबेसिटी इन मेल पॉपुलेशन, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है तो आपने हर चीज पहले डिफाइन करना है, पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करना है। अब डिफाइन पॉपुलेशन क्या चीज हो सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इट कुड बी अ होल जियोग्राफिक रीजन, जस्ट लाइक मैं आपको कह सकता हूँ कि लाहौर में हो सकता है। ठीक है और अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अब लाहौर का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या चीज हो सकती है, लाहौर के अंदर गुलमर्ग के एरिया आता है, एवेसिना भी आ जाता है, ये सारी जगह आ जाती है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। ठीक है इट कुड बी स्पेशली सिलेक्टेड ग्रुप बेस्ड ऑन एज सेक्स एंड ऑक्यूपेशन and should be large enough so that it is meaningful. ऐसा नहीं है कि आप लाहौर की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक बंदा ले आओ, ऐसा जरूरी ऐसा नहीं होता। एंड शुड बी स्टेबल विदाउट माइग्रेशन इन टू एंड आउट, एक चीज याद रखना कि पॉपुलेशन जो भी आप सिलेक्ट करोगे इट शुड बी स्टेबल,
माइग्रेशन इन टू एंड आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना आपकी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं रहेगी. ठीक है. स्टेप टू, डिफाइनिंग द डिजीज. आपने डिजीज को डिफाइन करना है कि आपने पहले तो अपने जो पॉपुलेशन है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया. अब डिजीज जो है वो आपकी डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज हो और उसको किस तरह मेजर करना है. एपिडेमियोलॉजिकल डिफाइंस डिजीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड आइडेंटिफाइड इन डिफाइंड पॉपुलेशन विद द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लिनिशियंस डेफिनेशन ऑफ अ डिजीज. ओके. Describing the disease, मैंने आपको वहां बोला था कि तीन चीजों में आप डिस्क्राइब करेंगे, टाइम, प्लेस एंड पर्सन. टाइम कौन सा होगा, कौन से ईयर में और कौन से सीजन में, मंथ, वीक, डे, ड्यूरेशन. ठीक है. प्लेस कौन सी होगी, कंट्री, रीजन, रूरल, अर्बन, कम्युनिटी, टाउन, सिटीज, इंस्टीट्यूशन. अब आप ये भी तो कह सकते हो कि आप जो डिजीज है वो इस इंस्टीट्यूट में कितनी है. ठीक है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो. एंड पर्सन का भी आपने डिस्क्राइब करना है कि आपने कौन कौन से पर्सन में आपने ये देखी है. ओके. सो नंबर वन इज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा बेटा, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को हमने तीन चीजों में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, देन कम्स पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, एंड देन लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड्स. ठीक है. अब इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं बेटा? जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती हैं वो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक. एपिडेमिक इज बेस्ट नोन फॉर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द अकरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ एन इलनेस और अदर रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी. एपिडेमिक जो है वो आपकी डिफाइन जो होती है वो इस तरह डिफाइन होती है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो एक रीजन में या कम्युनिटी में, उसको हम लोग एपिडेमिक बोलेंगे. सी, अगर मैं आपको ये ग्राफ के तौर पे दिखाऊं तो आपका ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये जो ऊपर एक पीक आई हुई है, इसका रीजन भी यही है कि ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, इट्स बियॉन्ड दैट नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी एक ना कम्युनिटी. ओके. टाइप्स. तो एपिडेमिक्स की टाइप क्या होती हैं? कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, इसमें सिंगल पॉइंट एक्सपोजर आया था, कंटिन्यूस मल्टीपल एक्सपोजर, और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स. ठीक है. और जिसमें पर्सन टू पर्सन एपिडेमिक है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में होती है, आर्थ्रोपोड एंड एनिमल रिजर्वायर से होती है. ओके, दैट वाज स्पॉन्टेनियस फ्लक्चुएशंस एंड नाउ पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस. इसमें सीजनल ट्रेंड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मीजल्स और मलेरिया. सीजनल वेरिएशन इन द करैक्टर्स ऑफ मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है. और इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या आता है? मैंने तो पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दिख रही थी, अब नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आपके पास सनस्ट्रोक और हे फीवर आता है. सो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन फर्स्ट इज सीजनल ट्रेंड एंड अदर वन इज साइक्लिक ट्रेंड. सम डिजीज अकर इन अ साइक्लिक फैशन. वो डेज, वीक और मंथ में साइक्लिक, तो मतलब कि एक कभी एक होगी, उसके बाद फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर तीसरी आई, इस तरह के उसके साइकिल चलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स जो कि फैला था, आर नोन टू अकर एट इंटरवल 7 to 10 years ड्यू टू एंटीजेनिक वेरिएशंस. एंटीजेनिक वेरिएशंस क्या होती हैं? आपका इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं. दैट इज प्रेजेंटेड एज एंटीजेनिक वेरिएशन. जो बॉडी में जाता है तो एंटीजीन, इट इज कॉल्ड एंटीजेन. ठीक है. तो दिस एंटीजेन इज उसमें वेरिएशन आती है और उसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक जो है वो चेंज होता है. नॉन इन्फेक्शन कंडीशन में आ जाते हैं आपके पास ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, जो कि अमेरिका में कहीं भी हो सकते हैं. दे आर फ्रीक्वेंट ऑन वीकेंड्स. ओके. ओके, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स. उसमें आपके पास मेनली होता है कि आपके पास
coronary disease, diabetes showing a consistent upward trend because of obesity and decline in TB, polio in developed countries during past 50 years. Okay, मैंने आपको पहले टाइम बता दिया, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट इज इंटरनेशनल वेरिएशन, नेशनल वेरिएशन, रूरल अर्बन वेरिएशन एंड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इंटरनेशनल वेरिएशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कई ऐसे स्टडीज हैं जिसमें जो किसी मुल्क में डिफरेंट है और दूसरे मुल्क में डिफरेंट है. सो दीज आर इंटरनेशनल वेरिएशन. सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज से ही पता चलती हैं, हैव शोन दैट द पैटर्न ऑफ डिजीज इज नॉट सेम एवरीवेयर. फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ द स्टोमक इज वेरी कॉमन इन जापान, वेयर एज इट्स वेरी अनयूजुअल इन द यूएस. उसकी रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दीज आर इंटरनेशनल वेरिएशन. नेशनल वेरिएशन में क्या हो सकता है कि विद इन कंट्रीज वेरिएशन आ सकती है, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में एंडेमिक गोइटर और फ्लोरोसिस, मलेरिया एंड न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस शुड शो वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान एज वेल. एंड देन कम्स रूरल अर्बन वेरिएशन, ठीक है. और इसका मेनली जो चीज होती है वो दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स एंड अदर वन इज वहाँ पे जो जूनोटिक्स डिजीज है उसकी वजह से होती है. मतलब कई डिजीज रूलर में डिफरेंट होती हैं, अर्बन में डिफरेंट होती हैं. सो ड्यू टू डिफरेंस इन पॉपुलेशन डेंसिटी, लेवल्स ऑफ सैनिटेशन, डेफिशिएंसी मेडिकल केयर, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और इसी वजह से देयर एग्जिस्ट रूलर अर्बन वेरिएशन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, एक्सीडेंट्स वगैरह, ये अर्बनाइजेशन में ज्यादा है. उसमें रीजन आपको पता है कि वो किस वजह से ज्यादा है, उसका रीजन यही है कि जो अर्बनाइजेशन में है वहां पे थोड़ा सा जो पोल्यूशन फैक्टर है उसकी वजह से यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ज्यादा हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी वगैरह ज्यादा होती है, एंड एक्सीडेंट्स are more frequent in urban areas than the rural areas. Ye aapko is cheez ka idea. So skin and zoonotic disease and but oil transmitted helminths, they are more frequent in rural areas. Local distributions, these the distributions jo hain aapke paas wo spot ki surat mein aati hain, shaded ki surat mein aati hain, they are just locally jo hote hain wo hote hain, प्रोड्यूस होते हैं. एक चीज पर मैंने आपको पिछली मतलब दी थी कि स्टडी ऑफ कोलरा एंड एपिडेमिक, दिस एपिडेमिक, दिस वाज एपिडेमिक, लंदन में सिर्फ एक खास जगह पे होती थी, ठीक है. उसमें डॉक्टर जॉन स्ट्रोम थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था, उसको रीरेडिकेट किया था, एंड इट शोज द अपवर्ड क्लस्टर होता है जो कि एक खास कॉमन सोर्स ऑफ इंफेक्शन की वजह से आता है. ओके, नेक्स्ट कम्स मेजरमेंट ऑफ डिजीज. अब आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि क्रॉस सेक्शन स्टडीज में जो मेजरमेंट ऑफ डिजीज होगी वो प्रेवलेंस की सूरत में होगी, ठीक है, इंसिडेंस की सूरत में नहीं होगी. ये आपको मैंने आपके स्टूडेंट्स को, सब स्टूडेंट्स को तो नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि प्रेजेंट थे जिनकी सप्लियाँ नहीं आई थी उनको मैंने बताया था कि प्रेवलेंस कैन बी ऑब्टेन बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. ओके, और उसका रीजन भी मैंने आपको आप लोगों को दिया था कि प्रेवलेंस जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में अभी सिर्फ ये देखा जाता है कि अभी तक कितने पेशेंट्स आ चुके हैं, इसके अभी तक क्या सूरत हाल है. तो इसी वजह से प्रेवलेंस क्या होती है कि ओल्ड केसेस जो अब तक जितने भी केसेस हैं, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, दे आर कॉल्ड प्रेवलेंस, ठीक है. और प्रेवलेंस जो है वो कहाँ से मेजर की जाती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज से ही मेजर की जाती है. इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम. इट इज मोर यूजफुल फॉर क्रॉनिक डिजीजेस. नाउ जो यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है, देयर आर फोर यूजेस जो आपके बुक में लिखे गए. First one is it provides data regarding the magnitude of disease load and type of disease problem in terms of morbidity and mortality rates and ratios. कि आपकी disease कितनी, उसका magnitude कितना, उसका load कितना है, उसका medical load कितना है, ठीक है, ये इस चीज को बताता है. Second जो बताता है कि वो
इट कैन गिव क्लू, एक थोड़ा क्लू दे सकता है कि इसकी डिजीज की इटियोलॉजी क्या है, एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि इट कैन ओनली गिव अ क्लू, लेकिन ये इसकी इटियोलॉजी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग इस वक्त इसकी सिर्फ एक इटियोलॉजी को नहीं देखे होते, सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त क्या हुआ है, हम लोग आगे फ्यूचर में या फिर पास में ताकि इसकी इटियोलॉजी नहीं, ये हम सिर्फ प्रेजेंट में देख रहे होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड डेटा फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएशन ऑफ प्रिवेंटिव सर्विस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट कैन कंट्रीब्यूट टू रिसर्च बाय डिस्क्राइबिंग वेरिएशंस इन डिजीज हैव प्लस बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन। बेटा आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो दर्शन में आप लोगों को अभी तक कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे लास्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को कॉलेज में दिया था उसमें प्रेजेंट नहीं थे, दे बिलोंग टू दोज हु जिनकी आई थी, वो उनके जहन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, अगर वो क्वेश्चन हैं तो मैं हम अवेलेबल। और दूसरी बात यह है कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी बुक का जो पेज नंबर 93 है वहाँ से आप ओपन करो, उसको एक मतलब पढ़ लो 93 से ऑनवर्ड्स डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, वहाँ से एक मतलब पढ़ो और उसके बाद फिर मुझे बताओ कि क्या सच चल रहा है। मेरे स्टूडेंट्स को जो है ना जो भी क्लास में उनको अनम्यूट करें जरा 5 मिनट के लिए, मेरे क्वेश्चन आ सकते हैं।
आपने अनम्यूट किया, स्टूडेंट्स को सबको अनम्यूट कर दिया। उसामा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, अब मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? रैपिड इम्यूनोलॉजी। सॉरी तो उसके क्रॉस सेक्शन स्टडीज प्रेवलेंस के बता रहे थे कि पिछले लेक्चर्स में, पिछले स्लाइड्स में। बेटा इस लेक्चर में अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, इस लेक्चर में अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? सर वो आपने ग्राफ एपिडेमियोलॉजी बताया और वो जो ग्राफ समझाया था, कौन सा ग्राफ पढ़ा है? मैंने तो इसमें एक ग्राफ ही नहीं लिख रहा है मैं इस लेक्चर में। सर वो जो आपने बताया था कि वो ऊपर आ रहा है बल्क, उसकी वजह से हो रहा है इचिंग। बेटा मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के स्टेप्स पढ़ाए हैं कि देयर आर सिक्स स्टेप्स और आपके बुक में भी लिखा हुआ है। ओके इकरा, इकरा आलम, इकरा आलम आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटा ओके एक मैं आपको, आपने ये पूछा है कि प्लेस और टाइम, ये आपने समझा, आपको आप समझ नहीं आई इसकी। तो बेटा मैं आपको दो तीन अभी इस सिर्फ इस जो अभी ये स्लाइड आपके सामने है ये इस चीज को पढ़ लो, एक एक मतलब समझ लो, मैं आपको भाग लेता हूँ। सो फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग पॉपुलेशन टू बी स्टडीज, सेकेंड आपने डिफाइन करना डिजीज को, ठीक है, एंड थर्ड आपने चीज को डिफाइन करना है, दैट इज डिस्क्राइब करना डिजीज को बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन था कि डिजीज को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है टाइम प्लेस और पर्सन के लिहाज से, ठीक है। तो हम मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेके जाता हूँ जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा। सो दिस इज डिस्क्राइबिंग अ डिजीज बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल तो क्या वो ईयरली प्रेजेंट होती है या फिर एक सीजनल है, कौन से मंथ में या वीक में होती है? टाइम, क्या वो क्लाइमेटिक जोन है, कौन से कंट्री या रीजन में होता है? सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, इकरा आलम से बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने पूछा था कि आपने हम मुझे आप दोबारा बता दें कि ये टाइम प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी पर्सन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज क्या होती है। तो उसमें ये होता है कि टाइम में तो मैंने आपको बता दिया था कि ईयर और सीजनल आता है, कि सीजनल डिजीज भी होती हैं, मंथ और वीक हम देखते हैं उसमें, और आवर ऑफ ऑनसेट देखते हैं एंड ड्यूरेशन देखते हैं, ठीक है, ये देखना पड़ता है हमें। एंड देन हमने प्लेस को भी डिस्क्राइब करना है कि इज इट अ क्लाइमेटिक जोन, कौन से कंट्री या रीजन में होता है, इज इट रूरल और अर्बन, लोकल कम्युनिटी में तो नहीं फैल रहा, टाउन सिटी तो इंस्टीट्यूशन को देखते होते हैं, और कौन कौन से पर्सन एज में, सेक्स में, कौन से जेंडर में ज्यादा कॉमन है, मेरिटल स्टेटस में हम देखते हैं, ये इन चीजों से हम डिस्क्राइब करते हैं कि डिजीज कौन सी किस में आ रही होती है। ओके अब्दुल्ला, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ओके नाउ आई एम गोना स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. सबको अनम्यूट कर दो. मेरा आप लोग अटेंटिव हो, ठीक है? सो अब ओके सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर व्हिच इज एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. मैंने को पहले बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आपका स्टडी इज द स्टडी जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आ रही है. एनालिटिकल स्टडीज आएंगी वो होंगी केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडीज. ओके आप लोग इस चीज को ख्याल रखो कि अभी जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप सब लोग अटेंटिवली उसे सुन रहे हो, क्योंकि बात यह है कि अगर मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछना भी है, आई होप एवरीवन इज देयर और लेक्चर को सुन रहा है. अभी सिर्फ उसामा ने मुझे रिप्लाई किया है और इकरा ने मुझे रिप्लाई किया है. अब्दुल्ला आई डोंट नो वेयर आर यू. आप मुझे लग रहा है कि आप शायद ऑनलाइन हो गए यानी कि चले गए. सो आई वॉन्ट यू टू बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. ओके और बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज़ वेल. ओके सो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में अगेन मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में बैठ जाए. एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हमारे पास दो स्टडीज हैं, तो वो है, उनका नाम है केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी. सो टाइप ऑफ स्टडी मैंने अगेन बता रहा था कि टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी. फर्स्ट वन इज केस कंट्रोल स्टडी, अदर वन इज कोहोर्ट स्टडी. फ्रॉम ईच ऑफ दी स्टडी डिजाइन वन कैन डिटरमिन दो चीजें डिटरमिन कर सकते हैं वेदर और नॉट स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजीज और सस्पेक्टेड फैक्टर दैट इज कॉजिंग फैक्टर. इसका मतलब ये है कि एटियोलॉजी जो है वो एस्टैब्लिश की जा सकती है इफ वन एग्जिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. सो दो चीजें एसोसिएशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, दो चीजें इन दोनों चीजों से पता कर सकते हैं. मैंने पहले बताया था कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं उसमें जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है, ई की स्टडी आती है, उसमें हम लोग एटियोलॉजिकल एसोसिएशन नहीं डिटरमिन कर सकते. उसका रीजन यही है क्योंकि बात यह है कि हम उसमें सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे होते हैं, हम ना पास्ट को देख रहे हैं ना फ्यूचर को देख रहे हैं, तो हम लोग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कि उन दोनों की जो एसोसिएशन है वो होगी या नहीं. सो केस कंट्रोल स्टडी मैंने आपको पहले एक लेक्चर में समझा दिया था कि केस कंट्रोल स्टडी जो है वो दैट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है? फर्स्ट कॉमन अप्रोच टू टेस्ट द केस कॉजल, द मार्क दिस वर्ड, दिस इज कॉजल अप्रोच. हम कॉजल एसोसिएशन को हम लोग इसमें देख रहे हैं. कॉजल मतलब क्या कॉज कर सकता है, इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर हम देख सकते हैं. डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है, तीन डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं. बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी, ठीक है? आउटकम और एक्सपोजर दोनों स्टडी से पहले स्टार्ट हो जाते हैं. स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टू कॉज. इट यूजेस कंट्रोल एंड कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट द इंटरफेरेंस या रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए. As you can see, this is direction of inquiry which is going backwards. Direction of inquiry आपके backward में जा रहा है, so it means ये retrospective है, ठीक है? हम population लेते हैं, just like population ली है, ठीक है? उससे हम cases select करेंगे
और कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। केसेस का मतलब पीपल विद डिजीज, एंड कंट्रोल्स का मतलब पीपल विदाउट डिजीज, ओके। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन से, अगर पीपल विदाउट डिजीज हैं वो एक्सपोज्ड हैं या नॉट एक्सपोज्ड हैं, एंड पीपल विद डिजीज वो एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टडीज जब आप करने लगते हो तो देयर आर फोर स्टेप्स, ये याद रखो, और ये मैं आपको आगे, अगर आप क्लास स्टार्ट होती है इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों का ये प्रोजेक्ट में भी आएगा। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना है, लाइक से आपने क्रॉस सेक्शन स्टडी करनी है, या फिर आप लोगों ने क्रॉस सेक्शन स्टडी के अलावा केस कंट्रोल स्टडी करनी है या कोहोर्ट स्टडी करनी है, तो आप लोगों का ये स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है। देयर आर फोर स्टेप्स इन case control studies. First one is selection of cases and control. उसमें हम matching करते हैं, and then we measurement of exposure करते हैं दोनों में, और उसके बाद case में भी और control में भी, और उसके बाद analysis and interpretation करते हैं. So पहला क्या पार्ट था, selection of cases and controls. So cases आपके क्या क्या लोग होते हैं बेटा? The cases is the crucial to case studies, ठीक है। Cases वो होते हैं the ones with disease, ठीक है। उसके diagnostic criteria होते हैं disease and stage of disease must be specified, and then उसके eligibility criteria हम देखते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने इसके eligibility criteria क्या होना चाहिए। Thirdly हम source पता करते हैं, source could be, there could be two sources, first in hospital and second is public, okay। अब सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स किस तरह होता है, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिजीज अंडर स्टडी एंड सिमिलर टू द केसेस एज पॉसिबल। दिस इज एक्चुअली अ कंपैरिजन ग्रुप आइडेंटिफाइड बिफोर द स्टडी इज डन। उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, इमीडिएट रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबरहुड हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन भी हो सकती है। अच्छा एक चीज याद रखना, अब यहाँ पे एक नई टर्म यहाँ पे यूज होती है बायस, हर स्टडी में एक बायस की टर्म यूज होती है, और बायस को हमने मिनिमाइज करना होता है एज मच एज पॉसिबल, ओके, विच मींस बायस इज एक्चुअली, इसकी डेफिनेशन अभी थोड़ी बार मैं आपको बताऊंगा, बायस इज एक्चुअली अ फ्लॉ, इज एन एरर, ठीक है। आप लोगों की जो भी स्टडी डिजाइन है उसमें एक फ्लॉ या एरर होता है कि आपने इसको मेजर करते हुए किसी बायसनेस को नहीं शो कराया, जिसकी वजह से स्टडीज आपकी खराब हो सकती है। मैचिंग, नाउ आपने एक चीज क्या रख ली कि फर्स्ट वन वाज सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, ओके, एंड नाउ मैचिंग आ जाती है, ठीक है। इट शुड बी डन टू इंश्योर द कंपेरेबिलिटी बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल्स। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट कंट्रोल्स इन सच अ वे, कंट्रोल्स को हमने इस तरह सेलेक्ट करना है कि दे आर सिमिलर टू द केसेस विद रिगार्ड टू सर्टेन पर्टिनेंट वेरिएबल्स विच नोन टू द इन्फ्लुएंस एंड आउटकम ऑफ द डिजीज एंड विच इट इज नॉट, सॉरी, आउटकम ऑफ डिजीज, ओके। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट कंट्रोल्स इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू द केसेस विद रिगार्ड टू सर्टेन पर्टिनेंट वेरिएबल्स विच नोन टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ डिजीज and which if not adequately matched for comparability could distort or confound the results. Acha beta isme ek cheez jo concept hai wo hai confounding factors ka, theek hai. Confounding factor kya hote hain, it is defined as one which is associated with exposure and disease
and distributed unequally in the study and control group. For example, smoking and alcohol in throat cancer, age in oral cancer. अब एक चीज याद रखो कि जो कंफाउंडिंग फैक्टर है दैट इज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर. पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता. पॉजिटिव फैक्टर जो है वो नहीं होता. फॉर एग्जांपल आप ओरल कैंसर को देखना चाह रहे हो सिगरेट नोशी से, ठीक है. आई मीन स्मोकिंग को आप लोगों ने देखना है लेकिन आपको ये भी पता है कि ओरल कैंसर एज द एज गोज ऑन ओरल कैंसर में एज का भी फर्क कभी फैक्टर आता है. जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है ओरल कैंसर में एज जो है और उससे ओरल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं. सो एज इज अ कंफाउंडिंग फैक्टर इट इज एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एक्सपोजर मतलब कि एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली इन द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप. ओके तो अगेन मैं आपको बताऊं कि बायस को मैंने आपको दिखाना है कि बायस बताना है कि बायस क्या चीज होती है. बायस इज एनी सिस्टेमिक एरर इन द डिटरमिनेशन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज. बायस कुड बी ड्यू टू कंफाउंडिंग. कंफाउंडिंग की वजह से हो सकता है. कंफाउंडिंग मैंने आपको बता दिया कि एज जो है वो भी एक कंफाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है. इंफॉर्मेशन बायस हो सकता है जिसमें मेमोरी और रिकॉल बायस आ सकता है. टेलीस्कोपिक बायस बायस आ सकता है और इंटरव्यूअर्स बायस आ सकता है. सिलेक्शन बायस भी हो सकता है, ठीक है. सिलेक्शन बायस में हम लोग दो चीजें हैं, एक प्रेवेलेंस और इंसिडेंस बायस आ सकता है और दूसरा बर्केसोनियन बायस होता है. बर्केसोनियन बायस ये होता है आपकी जो रिपोर्ट के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल एनी डिजीज दैट इज ओके एरियाज में ओके अब आप लोग मैं सुन सकते हो. आई वॉन्ट यार स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें. स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें. सो आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू और मुझे आप लोगों से एक डिस्कशन करनी है इस बारे में, आज के लेक्चर के बारे में कि अभी तक हमने क्या सीखा है, ठीक है. और अभी देर 43 पार्टिसिपेंट्स. So let me ask
65 तारीख आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके गुड. So yeah, this is I'm making sure that all of you are listening to my lecture and मैं जो कुछ भी आती है तो बोल रहा हूँ आप लोगों को उसकी at least अगर अगर आपने समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ लो और अगर समझ आ गई है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कर सकूँ. तो अनफल शहजाद अनुशाद आपको आवाज आ रही है मेरी? सांसा की तरफ से रिप्लाई आ गया. ओके अनफल किधर है? बेटा एक चीज याद रखो आप सब लोग कि अगर मैं आप लोगों में से ड्यूरिंग अगर आप ऑनलाइन हो आप में किसी को बात फोन नहीं करता है तो आप ऑडियंस के आपको ऐप किया जाए क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है और आप लोगों को मेरी आवाज अगर आ रही है ठीक है तो अगर आप लोगों के पास फिर भी माइक भी नहीं है तो एटलीस्ट यू कम ऑन द चैट बुक और उसमें आप मुझे अपना थोड़ा सा अभी इस वक्त है ना मेरे साथ कोऑपरेट करना है कि भाई अगर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे जो इतना लेक्चर बना के लेके आ रहा हूँ और अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन द चैट ग्रुप एज वेल. आवाज आ रही है अब आपको? Who is Namza Abbas? आप The next topic अभी now we will discuss cohort studies. Okay, cross section study में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने अपने केस कंट्रोल
सॉरी आई वाज ऑफलाइन जो कनेक्शन था दैट वाज अनस्टेबल नाउ आई एम बैक ऑन विद यू एंड डिस्कस समथिंग विद यू सो कोहोर्ट स्टडी एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ एनालिटिकल association between society. So it's a prospective type of study, and study groups observed over a period of time determine the frequency of disease, and it proceeds forward, which means it is false to fact. Whereas जो आपकी cross section study थी that moves that proceeds backwards, that is from effect to cause. So ये चीज याद रखना. This is the study map. क्या इसमें population जो है वो हम select करते हैं. Going backwards. बेटा मैं आपको ये जो कॉमन जगह ठीक है अब इस मैप को अगर देखते हो आप लोग अगर इस मैप को देखते हो तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन लेते हैं ठीक है एंड पॉपुलेशन में हम लोग जो जिन लोगों से करेंगे दैट इज बेटा आप लोग स्क्रीन नजर नहीं आ रही Wait a minute, again, man, let me again share this with you. Okay, so अब मैं आपको ये बता रहा था कि good screen से नजर आ रही है मैं आप सब लोगों को ये समझा रहा था कि जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन जो टाइमली ऑब्जर्वेशन है वो क्या चीज है सो कोर्स स्टडी में हम लोग देखें ये चीज देखिए कि टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड अगेन जो पहला एरो है वो टाइम को शो कर रहा है कि टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड और आपकी डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी भी टाइम फ्यूचर में ही है सो इट इज आल्सो मूविंग फॉरवर्ड ठीक है आप लोगों ने अभी पॉपुलेशन से अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पॉपुलेशन से अभी पीपल विदाउट डिजीज लिए ओके लेट्स से हमने एविसिना के कुछ लोग पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को पीपल विदाउट डिजीज सेलेक्ट किया एंड हमने उनको ओवर द पीरियड टाइम ऑब्जर्व किया ठीक है और उनमें से देखा कि हु वर एक्सपोज्ड टू ओवर ईटिंग एंड
who were not exposed to overeating. ठीक है, हमने ये देखा those who were not exposed to overeating, उनमें डिजीज आई है या नहीं आई. सो ये दो ग्रुप हो गए. ठीक है, अब इसमें देखो कि हम लोगों ने कॉज टू इफेक्ट जा रहे हैं. पहले हमने कॉज देखा कि ओवर ईटिंग इज द कॉज, और उसके बाद इफेक्ट क्या है, उसके डिजीज है. ठीक है, या उसकी ओबेसिटी है, वो डिजीज या इफेक्ट बाद में आएगा. ओके, सो कॉज इज कमिंग फर्स्ट बिफोर डिजीज. ठीक है, तो होल स्टडी, क्योंकि इट्स अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी, आप फ्यूचर में देखते हो, आपने अभी कॉज को देखना है कि हाँ कई लोग उन लोगों को कॉज हमने कॉज वैसे वो डिजीज हो रही है या नहीं हो रही. इसके एग्जांपल यही ले लेते हैं. हमने एक काम किया, मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और चीज दे सकता हूँ कि पॉपुलेशन में से हमने पीपल विदाउट डिजीज सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, अब उनमें से देखा कि दोज एक्सपोज टू स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग करते थे, कुछ लोग करते थे. The smoking जो करते थे, they are exposed to the risk factor. ठीक है, so they are exposed to the risk factor, which means they were doing smoking. अब हमने over the period of time उनमें से observe करना है कि आया उनमें disease होती है या नहीं होती, और cancer किन में आता है या नहीं आता. इसी तरह those who are not exposed, जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, उनमें भी ये चेक करना है कि डिजीज उनमें आती है या नहीं आती. और इसी तरह हम लोगों ने फिर चेक करना है कि एक्सपोज में जो डिजीज आई है वो कितनी आई है, और नॉन एक्सपोज में डिजीज आई वो कितनी आई है. ठीक है, सो दिस इज अगेन, मैं आपको जो बता रहा, जो कॉज है वो आपका पहले स्मोकिंग है, उसके बाद डिजीज आ रही है, और कैसे बाद में आ रही है. सो इसी वजह से ये दिस इज कॉज बिफोर डिजीज. ओके, कोहोर्ट स्टडी में कॉज बिफोर डिजीज आता है. तो ऑन द अदर हैंड, केस कंट्रोल स्टडीज में आपका जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो आते हैं ऑलरेडी जो पेशेंट और कैसे बन के आते हैं, उनको फिर हम पर्सपेक्टिव देखें, आपने क्या क्या आपने वो किया था, आई मीन स्मोकिंग की थी या व्हाटएवर, हम उसको हिस्ट्री में लेते हैं. ओके, आई होप कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड. इंडिकेशंस क्या होती हैं? Good evidence of association between exposure and disease. Exposure is rare. अच्छा, ये जो मैं आपको बता, कब करनी चाहिए? When you need a good evidence of association between exposure and disease. When the exposure is rare, but incidence of disease is high among exposed. Attrition of study population can be minimized. इसका ये चीज़ है, attrition क्या चीज़ होती है? Attrition होती है कि वो लोग जो के during the study ड्रॉप आउट हो जाते हैं. ठीक है, एम्पल फंड्स आर अवेलेबल, क्योंकि ये हम लोगों ने फ्यूचर में करनी होती है, हम लोगों ने ओवर द पीरियड टाइम ऑब्जर्व करना होता है, हमने ओवर द पीरियड टाइम और लोगों को देखना होता है, इसलिए इसके लिए वी नीड फंड्स. सो दे आर जो एलिमेंट स्टेप्स इन कोहोर्ट स्टडी हैं, ये पांच हैं, ये याद रखो, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी कोहोर्ट स्टडी करनी है, आप प्रोजेक्ट में कोहोर्ट स्टडी आ गया, तो आपके पांच स्टेप्स आए हैं होंगे जिसकी वजह से आपने करने होंगे. फर्स्ट इन सिलेक्शन ऑफ स्टडी ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट्स को जो सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलो अप एंड एनालिसिस. तो पांच चीजें हैं जो कि आपने करना है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ स्टडी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. वही जनरल पॉपुलेशन से हो सकते हैं, एंड दैट एंड ग्रुप दैट कैन बी रेडिली स्टडीड. ठीक है, जनरल पॉपुलेशन से क्या कौन से, इफ द कॉज ऑफ डेथ फेली फ्रीक्वेंट इन पॉपुलेशन. ठीक है, इफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज. ठीक है, तो उसमें से अप्रोप्रिएट सैंपल ले लिया जाता है. स्पेशल ग्रुप में क्या होता है, स्पेशल ग्रुप में हम लोग स्पेशल ग्रुप जो होते हैं, जो स्पेशल एनवायरमेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल ग्रुप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर्स, और उसमें एक्सपोजर ग्रुप्स भी होते हैं. एक्सपोजर लाइक रेडियोलॉजिस्ट हो गए, जो कि रेडियोलॉजी में डिपार्टमेंट काम करते हैं, दे आर एक्सपोज टू रेडिएशन एंड वर्क इन इंडस्ट्रीज. मैं आपको पहले आपको एक चैप्टर एक लेक्चर दिया था जो कि था ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में, उसमें भी यही होता है. ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये स्लाइड है. This slide is very important.
लास्ट स्लाइड ओके दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका यूक्यूबी है एंड दिस स्लाइड शोज द डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडीज. 9 डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड दिस इज रिटन इन योर बुक एज वेल. आप लोगों वहां पे 10 लिखे हुए हैं ठीक है. 10 है ये होने चाहिए आप लोगों के पास याद होने चाहिए क्योंकि दिस इज यूक्यू. अगर ये क्वेश्चन कोई और दे ना दे मैं तो लाजमी दूंगा कभी भी कभी हर पेपर में ये लाजमी दूंगा मैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका बेसिक है. आप बेसिक बताएगा कि केस कंट्रोल स्टडी और कोर स्टडी में डिफरेंस क्या है. सो 9 डिफरेंस है. कंट्रोल कॉज की तरफ जाता है एंड कोर स्टडी कॉज टू इफेक्ट की तरफ जाता है. पहले हो चुकी है लेकिन हो चुकी है केस कंट्रोल में लेकिन कोहोर्ट स्टडी में डिजीज बाद में होती है ठीक है. प्रेजेंस ऑफ एक्सपोजर इन केसेस एंड कंट्रोल कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड कंपेयर रिलेटिवली इजी टू कैरी आउट ठीक है. वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें सब्सटेंशियल बायस कैन अकर. 8 नंबर पे देखें सब्सटेंशियल बायसेस कैन अकर. वो बायस किस वजह से है मेमोरी बायस रिकॉल बायस ठीक है. जो केस कंट्रोल स्टडीज होते हैं दे आर लेस कॉस्टली एंड नो ड्रॉपआउट्स. एक्सपोजर में हायर ड्रॉपआउट होता है ठीक है जी. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोग ये से एक मतलब देखो पढ़ लो आपकी बुक में भी लिखे हुए और ये आपका यूट्यूब ही है. थैंक यू.